हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव पुनिजैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में एक नया रूल आया है, रूल 142B। अब जो ये रूल है, इस रूल में जो है काफी स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर दिखाई गई है। इसमें बात हो रही है रिकवरी की, और वो भी सेक्शन 75 रेड विद रूल 88C। पहले रूल 88C समझ लेते हैं। मैंने पहले भी इसके लिए वीडियो बनाया था, डायरेक्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ सीबीआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहीं से ही रूल्स के अंडर में आपको मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ, किस नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर ये एनेबल किया गया था। ठीक है, तो अगर आपको नोटिफिकेशन चेक करनी है तो नोटिफिकेशन नंबर है ये 26, और इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स आए थे। 26 दिसंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन आई थी। इसका पॉइंट नंबर जो है 11 था। अब यहाँ पर जो है रूल 88B के बाद ये 88C यहाँ पर इंसर्ट किया गया था, और ये काफी हार्श रूल बनाया गया है। किस लिए? कि जहां पर आपकी GSTR 1 एंड GSTR 3B में अगर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा का यहाँ पर डिफरेंस आया हुआ है, आपने जो रिटर्न फाइल की है। बट जेन्युइन केस भी हो सकता है कि काफी सारे एडजस्टमेंट होते हैं, जो कि किसी प्रीवियस मंथ के लिए हम नेक्स्ट मंथ में करते हैं, या फिर अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के आप जो अमेंडमेंट्स हैं या फिर जो आपको चेंज करने हैं सेल वैल्यू में, परचेज वैल्यू में, डेबिट क्रेडिट नोट्स में, तो आप नेक्स्ट ईयर में 30 नवंबर तक वो कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। तो उसके बाद क्या है, आपको एक इंटीमेशन मिलेगी फॉर्म GST DRC 01B। ये नया फॉर्म लेके आए थे, और ये आपको जीएसटी पोर्टल पर ही सर्व किया जाएगा। ईमेल आईडी पर आपको इंटीमेशन भी दी जाएगी, और यहाँ पर डायरेक्ट किया जाएगा, या तो आप वो जो अमाउंट है वो आप पे कर दीजिए विद इंटरेस्ट के साथ DRC 03 के थ्रू, ठीक है, या फिर आप उसे एक्सप्लेन करिए। 7 डेज का इसमें टाइम था, तो जैसे ही अब रजिस्टर्ड पर्सन को ये डिटेल्स मिलने वाली थी, उसके बाद उसको जो है DRC 03 के थ्रू ये जो पेमेंट्स है वो करनी थी, या फिर पार्ट बी में अपना रिप्लाई सबमिट करना था। ठीक है, और इसमें ये था कि जो भी अमाउंट अनपेड रह जाएगा, ठीक है, तो उसकी जो है रिकवरी की जाएगी, जहां पर कोई ना तो आपने अमाउंट एक्सेप्ट करी और ना ही एक्सप्लेनेशन दी। तो यहां पर इन्होंने लिखा हुआ था कि रिकवरी करेंगे प्रोविजन सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग। हार्श प्रोविजन है, पेनल्टी प्रोविजन सब कुछ यहाँ पर एप्लीकेबल है। अब उसी के थ्रू यहाँ पर इस रूल को लिंक करते हुए इन्होंने अब इसको एनेबल कर दिया पोर्टल पर। कैसे एनेबल किया है? अब इसमें क्या है कि जो टैक्स की अमाउंट है और इंटरेस्ट की अमाउंट है सेक्शन 79 में जो रिकवरेबल है, और वो अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, तो प्रॉपर ऑफिसर को पावर दे दी। यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर जो है वो इंटीमेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली, एक नया फॉर्म लेके आया फॉर्म GST DRC 01D। और जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म की यहां पर जो पॉइंट है वो अभी मैं नीचे बताऊंगा। इस फॉर्म के थ्रू आपका जो असेसमेंट है, मतलब कि प्रॉपर ऑफिसर ने असेसमेंट कर दिया कि आपने रिप्लाई सबमिट नहीं किया, तो उस पर्सन को यहां पर इस फॉर्म के थ्रू डायरेक्ट किया जाएगा कि अब ये पर्टिकुलर अमाउंट है जो कि एसएसओ हो गई है विद इंटरेस्ट, आप इसको पे कर दीजिए, और वो भी 7 दिन का टाइम है। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर है, ध्यान से समझिए, जीएसटी पोर्टल पर जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर है उसमें जो अमाउंट है वो पोस्ट कर दी जाएगी। तो एक तरह से ये डिमांड का नोटिस हो गया कि पर्टिकुलर अमाउंट आपसे डिमांड करी जा रही है फॉर्म GST PMT 01 में, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि ये जो इंटीमेशन है ये सब रूल 1 के अकॉर्डिंग जो है नोटिस फॉर रिकवरी माना जाएगा, ठीक है। तो इस रूल में क्या हार्शनेस दिखाई है, अब समझिए। अब इसमें क्या है कि जो अमाउंट अनपेड रह जाएगा, मतलब इन्होंने कहा है कि एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड तो 7 दिन का इन्होंने दिया है, कि जैसे आपको इंटीमेशन मिली और वो अगर अमाउंट अनपेड रह गया, तो उसके बाद जो है प्रॉपर ऑफिसर रिकवर करेंगे सेड अमाउंट अनपेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 143, रूल 144, 145, 146, 147, 155, 156, 157 एंड 160। ये सब रूल के अंडर में अलग अलग रूल्स में अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं, पेनल्टी प्रोविजन, प्रोसिक्यूशन सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो एक रूल के थ्रू यहाँ पर पहले आपको नोटिस सर्व किया जाएगा, और ये जो नया रूल आया है इसमें डायरेक्ट रिकवरी की बात की जा रही है। तो अब आपको अपनी जो जीएसटी रिटर्न्स हैं वो काफी ध्यान से फाइल करनी होगी, जो गलतियां हैं उनको अवॉइड करना होगा। जर्मन रीजन है
कभी कभी क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में जब रिटर्न फाइल करते हैं तो कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उनको आप अमेंड करें, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि आपको जो है जीएसटी प्रोविजन ही अलाउड करते हैं कि आप अपने रिटर्न को अमेंडमेंट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। बट जहां पर इस टाइप की मिस्टेक्स होंगी कि सपोज करे कोई फिगर है जो कि आपकी 2 लाख है और वो आपने गलती से 20 लाख कर दी, ठीक है, तो उस टाइप की मिस्टेक को आपको यहाँ पर अवॉइड करना है। अदरवाइज आपके पास नोटिस आएगा, नोटिस में आप रिप्लाई सबमिट करेंगे, रिप्लाई से प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई अगर नहीं होते हैं डिमांड आ जाएगी, डिमांड आने के बाद जो है कई सारी एक्टिविटी जो है वो इनिशिएट हो जाती है इन रूल से लिंक, जीएसटी सस्पेंशन की हो गई, जीएसटी की रिकवरी की हो गई, प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स के प्रोविजंस आ जाते हैं, बैंक अटैच हो जाते हैं, तो उस टाइप की आपको एक्टिविटी अवॉइड करनी है। मैं डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल पर आपको लेकर चलता हूँ, एक बार समझा देता हूँ, उसमें ही फंक्शन दिया गया है उसका आपको यूज करना है। तो जीएसटी पोर्टल पर ही ये सर्विस फ्रीली अवेलेबल है। सर्विस के अंडर में रिटर्न्स में आपको टैक्स लाइबिलिटी एंड कंपेरिजन करके एक ऑप्शन मिलेगा, टैक्स लाइबिलिटी एंड आईटीसी कंपेरिजन। तो जो रूल ये 88C है, इसी टाइप का और भी अभी एक नया रूल लेके आए हैं 88D, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिसमैच की बात हो रही है। मैंने उसके लिए भी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी, आप वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ ईयर सेलेक्ट करके, तो मेरे यहाँ पर पूरी डिटेल्स आ जाती है, जीएसटी आर1 में मैंने क्या एंटर किया, 3B में क्या डिटेल आ रही है, ये डिटेल्स यहाँ पर आ गई। इनका मैच होना 100% जरूरी है। अगर यहाँ पर किसी भी मंथ में डिफरेंस आ रहा है तो आप उसका रीजन आइडेंटिफाई करके रख लीजिएगा, पहले अवॉइड करिएगा कोई भी ऐसी गलतियां ना हो, और जेन्युइन रीजन में भी हो जाती है कई बार, डेबिट क्रेडिट नोट्स बाद में बनाने पड़ते हैं, तो उस टाइप की चीजें आपको यहाँ पर एक कंपेरिजन करके चलना है, पहला ये वाला, और दूसरा अगर आप इम्पोर्टर नहीं है तो फिर अदर देन इम्पोर्ट वाला ऑप्शन है, पॉइंट नंबर 4 वाला, इसमें अपना आईटीसी है, तो 3B को 2B से मैच करके चलना है आपको, वरना रूल नया रूल आया 88D उसमें डिमांड निकलेगी। अब क्या है ना, फॉर्म के लिंकिंग हो गए हैं जीएसटी DRC01B, DRC01C, DRC01D भी अब आ गया है, इन तीनों को लिंक करते हुए रिसेंटली मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, वीडियो जरूर देखिएगा। तो उसमें क्या है कि एक तरह से बाइंड कर दिया आपको, क्या कि डाटा को आपको मैच करके चलना है, अगर डिफरेंस आता है तो उसकी रिकवरी एंड टू एंड की जाएगी, 7 दिन का ही टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आप कितना सेटिस्फाई कर पाते हैं अपने रिप्लाई से, तो वो चीज यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, उस चीज का आपको ध्यान रखना है, गलतियों को आपको अवॉइड करना है, और जितने भी रूल्स आ रहे हैं उस पर जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो सारे मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वीडियो देख के आप अपडेट जरूर रहिएगा, क्योंकि 100% आपको नॉलेज मिलेगी मिलेगी। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।